हाय गाइस, वेलकम टू वेम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज जो है वो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जो है इस लोकेशन पे क्यों आई हूँ, और कुछ को पता चल गया होगा। तो ये जो लोकेशन है पीछे, मैं इधर बैठकर आज व्लॉगिंग इसलिए कर रही हूँ कि जो है, जैसे आपको पता है, दिसंबर है, खुशियों का महीना, और इसके अंदर जो है क्रिसमस भी होता है। तो ये लाइट्स, मेरे मानने में ये लाइट्स का महीना है, खुशियों का महीना है। और इसमें जो है वो जितनी भी हम खुशियाँ मना सकते हैं वो हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल जो है वो मंथ होता है, क्योंकि इसमें जो है वो कायद-ए-आज़म डे और क्रिसमस भी आता है। तो ये दोनों ही इवेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हमारे लिए मायने रखते हैं, और जो है बहुत खुशी के हैं। तो आज जो है मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं जो हूँ ब्लॉगिंग से पहले, मुझे भाभी ने कहा कि ना जो बाहुबली और सिम्बा है ना, वो बाहर नहीं है। आज जो है, आज मौसम थोड़ा सा कोल्ड है बाहर, लेकिन हमने उनको बाहर इसलिए रखा हुआ था क्योंकि ज़्यादा अगर हम उनको हीट में रखेंगे हीटर के सामने, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब कि उनको गर्मी सर्दी का पता नहीं चलेगा। तो वो जो अगर उनको बिल्कुल भी थोड़ी सी भी सर्दी लगेगी ना, तो वो बीमार हो सकते हैं। तो इस वजह से जो है हमने उनको बाहर रखा हुआ था कि थोड़ा सा जो है ये सर्दी में भी रहना सीखें। इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सर्दी है इनके मुताबिक। तो जो है इस वजह से इनको बाहर रखा था, लेकिन भाभी ने मुझे कहा कि ये लोग ना नज़र नहीं आ रहे हैं दोनों। तो मैं भी बाहर गई, मैं बड़ा डर गई, वो भी डरी हुई थी। हम देख देख के, ढूंढ ढूंढ के, हमने कहा कि कहाँ पे है, कहाँ पे हैं, हम देख रहे हैं, कभी लॉन में, कभी इधर, कभी उधर। तो फिर हमें पता चला कि जी ये अपने घर के अंदर ही हैं, जो मैंने इनके लिए घर बनाया हुआ है उसके अंदर ही हैं। हमने उसमें भी देखा, नहीं नज़र आए। वो साइड पे करके अपने जो हमने इनका, मतलब के क्या कहते हैं, मैट्रेस बनाया हुआ है, उसके नीचे थे। तो मैंने जब देखा, मैंने कहा शुक्र है मिल गए हैं, भाभी के भी सांस में सांस है, क्योंकि मामा जो हैं वो अभी घर पे नहीं हैं, वो गई हुई हैं। तो वरना तो बहुत ही ज़्यादा हम सारे ही परेशान हो जाते। हम बाहर भी देख के आए तो बाहर भी नहीं थे। हमने कहा बाहर दरवाज़ा भी खुला हुआ, बाहर ना हो। फिर इसके बाद जो है वो, अब मैं इनको अंदर ले आई हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको ना सोफे पे चढ़ने का बड़ा शौक है। और दूसरी बात, ये कल से ना ब्रेड और जो थे ना मिल्क, वो ना खा नहीं रहे थे। तो जो है ना, इनके लिए आज हमने यखनी बनाई है, और चिकन के छोटे छोटे पीस करके वो उसके अंदर ऐड किया। मैं आपको जो है इनको दिखाती हूँ कि ये अभी क्या कर रहे हैं। बाहुबली आ जाओ, वो देखें, ये ना इसके पीछे छुप जाता है, ठंड है ना, इसके पीछे छुप जाता है। मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे। अब बाहुबली भी जा रहा है उसको देख के, चा। अब ये खेलेंगे, ये देखना। इतने प्यारे लग रहे हैं ना, यही रूटीन है, खेलते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये ऐसे ही है, जब से इन्होंने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब से इन्होंने जो है वो सॉलिड फूड खाना शुरू किया है, अब तंग नहीं करते हैं। सिर्फ ये है कि आते हैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर, और आकर जो है वो सो जाते हैं। जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला था, मामा के पास जो है वो सिम्बा आ जाता है, और मेरे पास बाहुबली आ जाता है। तो जो है ना वो, मतलब कि इनमें
डेवलप ये चीज़ भी है होती है कि ये समझा देते हैं अपनी बात। तो मामा कहती हैं कि ना हम चाह नहीं रहे थे कि हम इनको इसको ना इन दोनों को चिकन पे और जो है यखनी वगैरह पे लगाएं, क्योंकि कई दफ़ा अवेलेबल नहीं भी होती। और हमने आगे जो है ना 1 मंथ के लिए कहीं जाना भी है मामा और मैंने, तो इसलिए भी हमें हो रहा था कि भाभी भाई के पास रहेंगे तो जो है वो इतनी ज़्यादा हमें जैसे पता है इनका उस तरह से जो है वो नहीं हो पाता फिर, ठीक है। तो जो है वो हम ये सोच रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िद मनवा कर जो है वो चिकन और यखनी बनवा ही ली है। तो ऐसे ही बस टाइम निकल जाता है, पूरा दिन जो है इनके साथ ही रहता है। और जी तो अब जो है ना अब यखनी रेडी होने वाली है, तो हम उनको अब ये देंगे, क्योंकि बच्चे जो भी हों जान एक ही होती है, मीन्स बच्चों के अंदर हरकतें वही वाली होती हैं जो बच्चे होते हैं, भले वो किटन्स हों भले वो पपीज़ हों, उनमें ना या वो किसी भी एनिमल के बेबीज़ हों, उनमें वही वाली डेवलप हुई होती है चीज़। और खुदा सबको जो है ये जो मंथ है ये बहुत ज़्यादा सबके लिए ब्लेस्ड हो, खुशियों वाला हो और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें आप लोग। और तो चलते हैं, पहले मैं आपको सिम्बा से मिलाती हूँ पकड़ के। सिम्बू सिम्बा सोने, अभी वो ना ज़रा खुजली का आ रहा है तो इस वजह से नहीं आ रहा, कर ले तो मैं आपको सिम्बू सिम्बा। देखना है ये देख, अच्छा अच्छा आहा, चलो को हेलो व्यूवर्स हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? सब अच्छे हैं, हैप्पी हैं? मुझे नेल्स नहीं मारने, ये देखे मुझे नेल्स इसने मारे हुए हैं। मैंने अभी ना ग्लव्स निकाले हैं कि मैं ग्लव्स पहन के इनको जो है ना पकड़ा करूंगी। अच्छा लो 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 बाबू, ये देखो आप, आपने ये क्यों मरवाए हुए हैं अपने, ये देखो ये ना बाहुबली जो है ना ये इसको ना काटता है और इसके साथ ना बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें करता है, काटता है इसको और नेल्स भी मार देता है। ये देखें इसके फीट इतने पारे पारे है ना, बोलो तो ये जो है ना इसलिए इसको निशान हुए हुए हैं। मैं कॉटन से ये साफ तो करती हूँ और ये नहाते भी हैं तो कुछ साफ हो जाते हैं, लेकिन ये निशान इसीलिए रहते हैं क्योंकि ये बहुत मारता है। अभी मैं इसको ज़रा दिखाती हूँ, हालांकि ये जो है ना ये ज़्यादा चलाक है, वो अपने साथ खेलता रहता है, आराम से खेलता रहेगा इंजॉय करता रहेगा ये, लेकिन इसको ना फिरने का बहुत शौक है। अच्छा 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 आओ आओ बाहुबली, अभी ना मेरे हाथ हाथ में नहीं आ रहा, आ जाओ उसको मारने पे तुले हुए तुम, ये देख सोना सोना तू, ये देख इसकी हरकतें देखी, ये देखे खुद सही है, वो देखो हेलो व्यूवर्स ये देखे इसके पाँव देखे, हेलो व्यूवर्स कैसे हैं सब? अच्छा 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 ये देखो बाहुबली, अच्छा सबको हेलो तो करें, हेलो व्यूवर्स कैसे हैं सब? अभी ना खेलने में ना आया हुआ है कि मैं खेल लूं, बल्कि खेलना गया लड़ाइयाँ इतनी करता है, उसके मुंह सारा खराब किया हुआ है और अपना देखें साफ सुथरा मुंह है, छोट छोटा मुंह है। चलो खेलो, अभी देखिएगा लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। अभी
मैं आप लोगों को करीब से दिखाऊं, ये देखिए काट रहा है उसको। यहाँ पे तो रेसलिंग हो रही है, और रेसलिंग में ना एक ही शेर है। अल्लाह, बाहुबली क्यों भाई को मार रहे हो? वो देखें। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही इस मंथ को एंजॉय करते रहें, और बहुत सारी खुशियाँ आपको इस मंथ में मिलें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलें, और जो है वो आपको आगे बताएंगे कि 1 मंथ के लिए हम कहाँ जा रहे हैं। तो जो है हमारे साथ बने रहें, और ऐसे ही हमारे व्लॉग्स को देखते रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इसी के साथ अगले व्लॉग में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।